बिना किसी सबूत के, बिना कोई पैसा बरामद हुए, हम इन गिरफ्तारियों को, इन समन्स को कैसे समझें? ये गिरफ्तारियां समझने के लिए, ये समन समझने के लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। हमें पिछले 8 साल से हो रहे दिल्ली सरकार के कामों के नतीजों को देखना पड़ेगा। पिछले 1 साल में हो रहे पंजाब में कामों को देखना पड़ेगा। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहां पे बड़े बदलाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतने राज्यों में इतने सालों से सरकार चलाई है, पर आज तक वो 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है लेकिन कहीं पर भी वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल नहीं दे पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने राज्यों में सरकार चलाई है लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल, जहां पे हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाई मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, आज तक देश के सामने नहीं रख पाए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को नहीं मैच कर पा रही है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे बिजली पानी स्कूल अस्पताल के काम से ना सिर्फ दिल्ली और पंजाब, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, तो आम आदमी पार्टी की इस ग्रोथ को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए चुनावी ग्राफ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। और आप देखेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। तो ये पूरा देश देख रहा है, ये जग जाहिर है कि जो समन अरविंद केजरीवाल को आया है ये ईडी का समन नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को मैच नहीं कर सकती है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, हम यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और देश भर में आम आदमी पार्टी का संगठन, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। और अगर आप इस तरह से झूठे आरोप लगा लगा के नेताओं को जेल में डालोगे तो इसका जवाब आपको देश की जनता देगी।